हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहद पार कर आए पाकिस्तानी बच्चों को खाना खिलाकर पुनः पाक रेंजर सौंपा जवानों की मानवता का परिचय दिया। बाड़मेर थार नगरी बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा को पार कर 8 साल का पाकिस्तानी बच्चा बाड़मेर की सीमा में घुस आया था। ऐसे में सरहद पर चौकस निगाहें लगाकर देश की हिफाजत के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे देख लिया। जवानों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्चे को खाना खिलाने के बाद वापस पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया। बाड़मेर भारत पाक सीमा पर एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मानवता का परिचय दिया है। दरअसल जवानों ने एक 8 साल के पाकिस्तानी बच्चे को, जो भूलवश भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था, उसे बिस्किट और खाना खिलाकर पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी बच्चे का नाम करीम है, जिसे खाना खिलाकर फ्लैग मीटिंग भी की गई। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे के आसपास बाड़मेर के भाकासार बॉर्डर से लगती पाक सीमा से करीम पाकिस्तानी बालक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। उसके बाद वहीं पर वो जोर जोर से चीख कर रोने लगा। इस पर जवानों ने उसे वापस जाने के लिए बोला, लेकिन वो और तेजी से रोने लग गया। जवानों ने बच्चे को भूखा देख उसे खाना खिलाया। उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर करीम को पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया। ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जमकर तारीफ की। गुजरात फ्रंटियर के प्रवक्ता डीआईजी एमएल गर्ग ने बताया, पाकिस्तान में थार पारकर जिले के नागर पारकर तहसील का रहने वाला 8 साल का करीम भूलवश बॉर्डर को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। बच्चे को देखते ही जवानों ने खाना खिलाया। उसके बाद पाक रेंजर्स संग फ्लैग मीटिंग कर उसे वापस उन्हीं के हवाले कर दिया गया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।